दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे जो है रिसेंटली में एक रिक्वायरमेंट की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कि अगर आप अनमेरिड मेल कैंडिडेट होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में यहाँ पे बतलाने वाला हूँ कि कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है एंड कौन सी पोस्ट में कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है इंडियन नेवी के द्वारा निकाली गई। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाए करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पोस्ट नेम आपका यहाँ पे MR यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि अक्टूबर 2021 बैच के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट जारी की गई है। इसमें ओनली जो है अनमेरिड मेल कैंडिडेट ही जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टोटल आपका यहाँ पे 350 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अगर आप पास आउट कर चुके हैं एंड अगर आपकी एज की क्राइटेरिया यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 2001 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में अगर आपकी एज की क्राइटेरिया होगा तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस रिक्वायरमेंट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो पे एंड जो अलाउंस आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो आपका ट्रेनिंग के दौरान आपका यहाँ पे जो है स्टाइपेंड के तौर पर 14,600 रुपये आपको पर मंथ सैलरी या स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। एंड जैसे ही आपका ट्रेनिंग आपका सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावे भी आपको यहाँ पर प्रोमोशंस की क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर रखी गई है। जो सिलेक्शन की प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली है, तो आपको फर्स्ट में जो है आपका रिटर्न टेस्ट आपको यहाँ पे ली जाएगी एंड अगर आप रिटर्न टेस्ट में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के दौरान से जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है। जो फाइनल यहाँ पे सिलेक्शंस आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कंडीशंस रखी गई कि अगर आपके परमानेंट बॉडी में अगर टैटू होती है जो कि आपका अगर आप इनर फेस में होगा तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका इनर फेस के अलावे अगर आपकी कहीं और जगह आप टैटू रहती है तो वैसे कैंडिडेट जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनका यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट में जो है यहाँ पे ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। वहीं पे आपका इस फॉर्म के लिए किसी भी प्रकार के जो है एप्लीकेशंस फी यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने मेट्रिकुलेशंस कर रखे होंगे, अगर एज की क्राइटेरिया आपकी मैच करती होगी तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ओनली जो है ऑनलाइन मोड पे ही आपको यहाँ पे करनी होगी, जो कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो है आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो 8 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे दी गई कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, जिसमें कि आपकी जो मार्कशीट होगी 10th की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड अगर आप NCC के कैंडिडेट होंगे तो NCC के कैंडिडेट का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे कि अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको यहाँ पे जो है ओपन करना होगा। देन आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई है, करेंट अपॉर्चुनिटीज, अप्लाई, सबमिट, ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से पूरी डिटेल्स लेकर के जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो है 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओनली आपको केवल 4 दिन के लिए जो है आपको यहाँ पे टाइम दी जा रही है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक जो है आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो फोटोग्राफ के लिए जो आपकी कंडीशंस रखी गई कि द फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी विथ ब्लू बैकग्राउंड, तो आपकी जो फोटो होगी आपका गुड क्वालिटी में, अच्छे क्वालिटी में आप अपलोड कीजिएगा, साथ में आपका जो बैकग्राउंड होगा फोटो का ब्लू बैकग्राउंड आपके यहाँ पर होनी चाहिए। ये कंडीशंस आप ध्यान में रख करके जो है आप अपना फोटो को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहले बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाए करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।